काफ़ी हाई क्वालिटी में रील कैमरे की कैमरे क्वालिटी अच्छी है और आप लोग मुंबई से भी आए हुए हैं पिक्चर को कवर कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की मूवी को पिक्चराइज करके? मुझे तो छत्तीसगढ़ में आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के क्राउड वगैरह हैं जिस गांव में लोग शूट करें सब कोऑपरेटिव हैं, जो शॉट चाहिए जैसा चाहिए हम लोग को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मिल जाता है, क्राउड वाउड का कोई दिक्कत नहीं होता है शूट वूट करने में, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी होती है तो यहाँ पे तुरंत पुल अप करा के गाँव वाले दे देते हैं कि सर ले लो। और हमारी फिल्म की सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी फिल्म सब नेचुरल शूट हो रही है, नेचुरल लुक पे, नेचुरल लोकेशन पे, कोई हमने शेट बनाया नहीं है, हमने शेट ढूंढा है 6 महीने हम लोग सिर्फ फ्री में लगाए हैं शेट ढूंढने में, जो लोकेशन देखे जहाँ घूम घूम के सब पूरे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हम लोग लास्ट में फाइनल किया कसडौल और सेकेंड लोकेशन क्या नाम है गाँव बलाड। देखिए आप जैसे अभी छत्तीसगढ़ी मूवी यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं तो आपको बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ी की मूवी में क्या डिफरेंस लगता है? सर यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था कि मतलब बड़े शूट कर दें बस, और बाकी सब सेम ही है, हम लोग वही शूट करते हैं सर, और जो बॉलीवुड में कर रहे हैं और यहाँ भी सेम कर रहे हैं, सिर्फ क्या था कि बजट का इश्यू है छत्तीसगढ़ का, और बॉलीवुड में क्या होता है ओवरऑल इंडिया रिलीज होती है फिल्म इसलिए बजट का थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट उदय जी इस बार हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर और राइटर हैं उन्होंने हिम्मत जुटाया है और इस फिल्म को मतलब बॉलीवुड के जरिए दर्शाने की कोशिश किया है और पूरी टीम बॉम्बे से बुलाया है। क्या नाम है आपका? राजन जायसवाल। राजन जायसवाल।